पिछले दो बार से डिंडौरी के विधायक चुने जा रहे कांग्रेस के ओंकार सिंह मरकाम इस बार भी चुनाव मैदान में है। उनका कहना यह है कि इस बार चुनाव जनता खुद लड़ रही है, केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण जनता अब सरकार बदलने के लिए यह चुनाव लड़ रही है। ओंकार यह मानते हैं कि तीसरी बार भी वही डिंडौरी के विधायक बनेंगे। आइए देखते हैं उन्होंने IBC24 से क्या कुछ कहा। ये तीसरा टर्म है आपका इलेक्शन का, क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर आप जनता के सामने हैं? देखिए, अभी दो पंचवर्षीय जो मैं चुनाव लड़ा और इस वर्ष का जो चुनाव है, इसमें बहुत बड़ा अंतर ये है कि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। हम लोग तो सिर्फ जनता के आवाज़ को उनके साथ मिलकर रख रहे हैं। साल में अगर आपसे 5 काम पूछे जाएँ कि जो आपने डिंडौरी के लिए किए हैं, क्या होंगे? ये जो सबसे बड़ी है मॉडल कॉलेज, जिसमें सत्ता पक्ष के मंत्री और मुख्यमंत्री और सांसद, ये तीनों लोग कोशिश कर रहे थे कि मॉडल कॉलेज शैपुरा में बने और मैं चाह रहा था वो डिंडौरी में बने, और हमने पूरी मुस्तैदी से लड़ाई लड़ी और डिंडौरी में मॉडल कॉलेज हमने बनवाया, चालू है काम। संगठन साथ नहीं दिख रहा है, क्या लगता है संगठन ने दूरी बना ली है इस बार? पूरी संगठन हमारे साथ है, यहाँ के कार्यकर्ता हमारे इतने उत्साह वाले हैं कि अन्य विधानसभाओं में भी जरूरत है, वहाँ पर हमारे लोग मोर्चा संभाले हुए हैं। तो ओंकार जी, जिस चतुराई से उन्होंने जो दूसरे क्षेत्रों में जो विकास कार्य जा रहे थे, वो जिस चतुराई से उन्होंने डिंडौरी में लाए हैं, उसी चतुराई से सवालों के जवाब भी देते हैं। उनका ये मानना है कि डिंडौरी में फिर इस बार जीत होगी और युवा प्रत्याशी ओंकार सिंह मरकाम को फिर से जनता चुनेगी। देखना है उनकी उम्मीदों पर वो कितना खरे उतरते हैं। कैमरामैन उमेश मौर्य के साथ विश्वेश ठाकरे, IBC24 डिंडौरी।